मावन के गौड़िया मठ में 86वां वार्षिक उत्सव एवं श्री हरिनाम संकीर्तन का आयोजन गुरुवार से शुभारंभ किया जा रहा है, जिसके लिए महावन गौड़िया मठ व्यवस्थापक श्री जी प्रभु महाराज ने प्रेस वार्ता का आयोजन किया। उन्होंने बताया कि कार्यक्रम में हजारों की संख्या में श्रद्धालु आएंगे। उन्होंने बताया कि गौड़िया मठ के 10वें आचार्य नित्य लीला प्रविष्टि विष्णुपाद श्री 108 श्रीमद भक्ति दैति माधव गोस्वामी महाराज द्वारा स्थापित श्री राधा गोकुलानंद का 40वां वार्षिक उत्सव धूमधाम से मनाया जा रहा है। कार्यक्रम गुरुवार को कुमोद वन परिक्रमा की जाएगी। उसके उपरांत शुक्रवार शनिवार को गोकुल महावन की गौरिया मठ के संतों द्वारा परिक्रमा की जाएगी। शाम 3 बजे से आचार्य त्रिदंडित स्वामी विष्णु महाराज द्वारा प्रवचन एवं संकीर्तन किया जाएगा। रविवार को समस्त भक्तों एवं ब्रजवासियों के लिए मठ परिसर में भंडारे का आयोजन किया जाएगा। यह जानकारी महावन गौरिया मठ व्यवस्थापक श्री जीव प्रभु महाराज द्वारा प्रेस वार्ता के दौरान दी गई। महाराज जी, जो आज प्रेस वार्ता रखी गई है, किस संबंध में है, क्या क्या कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे? हमारी एक्चुअली ये जो मंदिर स्थापन हुआ तकरीबन 46 साल पहले तो उसी हिसाब से वार्षिक उत्सव की उपलक्ष्य में ये कार्यक्रम रखा गया। और हमारी मठ की जो इंटरनेशनल संस्था हमारी, इसका जो मेन प्रेसिडेंट है, ये आज रात को तकरीबन 11 बजे चंडीगढ़ से आएंगे यहाँ पर। और कल हमारी प्रोग्राम जो है कुमुदबन में होगा। कुमुदबन की बात आज कल दोपहर को 3 बजे से 6:30 बजे तक हमारे यहाँ कार्यक्रम होगा। और 11 तारीख को हमारी गोकुल महावन के कुछ हिस्सा में परिक्रमा होगी। और फिर दोपहर के बाद वही कार्यक्रम 3 बजे से 6:30 बजे, ऐसे ही 12 तारीख को होगा। और ऐसे 13 तारीख को दोपहर को हमारी परंपरा चले आ रहे ब्राह्मण ब्रजवासियों को भोजन कराने की और सर्व जातों को भोजन कराने का कार्यक्रम चलते, उसी हिसाब से चलते रहेंगे ये कार्यक्रम। क्या कहना चाहेंगे? और हम सबको निमंत्रण करते हैं कि सब आइए, अच्छा कार्यक्रम है, इसमें सब शामिल होकर उत्सव को बढ़िया से बढ़िया मनाएं।